हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी शगुन। और बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस आई एम बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दो बहुत ही अमेजिंग से बर्गर की रेसिपीज। नाउ इफ़ यू आर अ पर्सन जिसे बर्गर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो पहला बर्गर जो हम बनाने वाले हैं वो है रेड सॉस पास्ता बर्गर। नाउ इसमें जो रेड सॉस पास्ता है ना, उसे ना मैंने बहुत ही ऐसे इंस्टेंट वे में बनाया है। सो यार चलो रेसिपी शुरू करते हैं इसकी। तो इस बर्गर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल दिया है। देन हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन यानी कि कटे हुए प्याज, और इसे सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमेटोज, और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। और इन सारी सब्जियों को ना एक प्लेट में निकाल देना है हमें, ठीक है। सेम वैसी बना रही हूँ जैसा कि इसके स्मिथ एंड जोन्स वाले पैकेट में ना इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुए थे, वैसे ही बना रही हूँ मैं। एनीवेज फिर हम ना लेंगे उसी कढ़ाई में ना मैंने पानी डाल दिया है, जिसमें भी जितना ml इसमें लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कितना ml पानी लिखा हुआ था। एनीवे फिर हम इसमें ये टेस्ट मेकर को डाल देंगे, टेस्ट मेकर बोल रही हूँ यार, यही वाला मसाला डाल देंगे, और इसे ना हमें पका लेना है फॉर अराउंड 5 मिनट्स। हाँ यार मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कितने मिनट पकाना था, बट ठीक है उस पर जितना मिनट लिखा था मैंने उतनी देर ही पकाया था। उसके बाद हम इसमें ना बॉयल्ड पास्ता, यानी कि मेरे पास पास्ता तो नहीं था तो मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दी है, एंड जो हमने अपनी सब्जियों को सौड़े करके रखा था ना वो भी डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी सब्जियां वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ना प्याज टमाटर वाले जो पास्ता होते हैं ना मैक्रोनी, वो ज़्यादा मस्त लगते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों का यूज़ किया है। एनीवेज फिर अपने सॉटेड वेजेस को भी डाल देना है, एंड इसे हमें 2-3 मिनट तक और कुक करना है और गैस को कर देना है बंद। ये हो गया हमारा इंस्टेंट रेड सॉस पास्ता रेडी। एनीवेज फिर हम इसका बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बर्गर बन, एंड उसे मैंने 2 पीस में कट कर लिया है। देन एक तवा लेना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल, या फिर आप बटर में भी टोस्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर टोस्ट नहीं करना है तो ऐसे भी बना सकते हो। एनीवेज फिर ना इसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया है, उसके बाद एक प्लेट पर निकाल दिया है। देन मैं ना थोड़े से मेयोनीज एंड टमेटो केचप को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज फिर मैंने दोनों बन पे ये वाला सॉस लगा दिया है जो हमने मिक्स किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैबेज डाल दिया है, उससे ना हमारे बर्गर में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर अपना रेड सॉस पास्ता डाल देंगे जो हमने रेडी करा था। उसके बाद मैंने एक चीज़ स्लाइस डाली है, एंड हर बार की तरह मेरा चीज़ स्लाइस इस बार भी टूट गया यार, मैं क्या करूँ। एनीवे फिर हम इस पर वेजीज डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, थोड़ा सा नमक, एंड विथ सम रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैंने सोचा ना थोड़ा सा और पास्ता डाल देते हैं ऊपर से, और दूसरे ब्रेड पर भी रख सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार क्योंकि वो बाद में ऐसे सारे पास्ता गिर ही गए थे जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। एनीवेज थोड़ा सा मेसी हो गया था बट टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई मीन मुझे लगा नहीं था कि जो ऐसे रेडीमेड रेड सॉस पास्ता मिक्स का जो पास्ता बनाएंगे उसका इतना अच्छा टेस्ट भी हो सकता है, बट आई वॉज अमेज्ड बाई द रिजल्ट क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे। अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं ट्राई किया है ना तो डू ट्राई, एंड हाँ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। ओके तो थी ना बिल्कुल ऐसे इंस्टेंट रेड सॉस पास्ता वाले बर्गर की रेसिपी। एनीवेज तो जो दूसरा बर्गर हम बनाने वाले हैं वो है लेस बर्गर, एंड गाइस दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बर्गर रेसिपी। एंड अगर आप लोग भी ऐसे होना जैसे लेस बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह, तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनीवेज चलो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ओके, सो लेस बर्गर बनाएंगे, और पता है हम ना इसकी जो टिक्की है उसमें भी लेस डालेंगे, और जो हम ऐसे बर्गर बनाएंगे ना उसमें भी लेस डालने वाले हैं, तो पूरा ना ये लेस वाला ही बर्गर होने वाला है। एनीवेज तो रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए ना सबसे पहले हम लेंगे एक बोल, और उसमें हमें ऐड करने हैं खूब सारे बॉइल्ड पोटैटोस यानी कि उबले हुए आलू, एंड उसमें हम ऐड करेंगे बाकी की सब्जियाँ जैसे कि कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कैबेज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, सम रेड चिली फ्लेक्स विथ सम ओरिगैनो, एंड
एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके ना इसका एक डो टाइप बना लेना है। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लो एंड इस मिक्सचर को लेकर इसकी एक बड़ी सी टिक्की बना लो, आपको जितना बड़ा शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देन मैंने ना एक बोल लिया है और उसमें डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ मैदा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्लरी बना लिया है। देन आपको लेना है लेस। नाउ मैं यहाँ पर अपना फेवरेट फ्लेवर ले रही हूँ, ब्लू वाला, और उसे मैंने ऐसे मिक्सी में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लिया है। उसके बाद बस हम अपनी टिक्की लेंगे और उसे अपने मैदा वाले स्लरी में अच्छे से हम डिप कर देंगे एंड इसकी हम कोटिंग कर देंगे जो हमने लेस को अपने क्रश करा था ना उसको। और इसे ना ध्यान से करना क्योंकि जो टिक्की है ना वो मतलब टूट सकती है, तो इसलिए आराम से करना। एनीवेज फिर हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि इसमें जो हमने कोटिंग की है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद एक कढ़ाई लो, उसमें ऑयल डालो एंड आप चाहो तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, पर डीप फ्राई करोगे तो ज़्यादा क्रिस्पी होगा एंड ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा। एनीवेज फिर हम लेंगे एक बर्गर बन और उसे मैंने कट कर दिया है। देन अपने तवा पे डालकर इसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने सेक लिया है। उसके बाद हम इसे प्लेट पे निकाल देंगे। देन मैं ना यहाँ पर लगा रही हूँ सेजवान चटनी एंड एक ब्रेड पे मैंने लगाई है टमेटो केचप, और इन सबको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। देन अपनी टिक्की रख देंगे और ऊपर से मैंने लगाई है मेयोनीज बहुत सारी, उस क्योंकि बर्गर में जब तक बहुत सारी मेयोनीज नहीं हो और ना ऐसे वो बाहर ऐसे निकल ना रही हो तो फिर वो लगता नहीं है कि वो बर्गर है ना। एनीवेज फिर हम इसमें सब्जियां डाल देंगे जैसे कि कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल दिया मैंने एंड एक चीज़ स्लाइस। एंड एज ऑलवेज चीज़ स्लाइस फिर से मेरी टूट गई थी, नथिंग न्यू इन दैट। एनीवेज फिर मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप और डाल दिया, देन फिर से थोड़ी और सब्जियां भी डाल दी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। एनीवेज फिर मैंने थोड़े से लेस को बचा लिया था तो लेस भी डाल दिया है खूब सारा, मतलब उस बन पे भी डाल दिया एंड इन सब्जियों के ऊपर भी अच्छे से डाल दिया। फिर मैं इसे असेंबल करने की कोशिश कर रही हूँ एंड गाइस ये ना पूरा ऐसे सारा बहुत मेसी हो गया था, तो मैंने टूथपिक लिए एंड उसकी मदद से इसे अच्छे से मैंने थोड़ा सा असेंबल कर दिया था। एंड डन गाइस, आवर लेस बर्गर इज़ रेडी टू ईट। एंड गाइस खाने में ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था, बट ट्रस्ट मी गाइस टेस्ट वॉज अमेजिंग। अगर आपको लेस पसंद है ना तो आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और हाँ अगर आप लोग ट्राई करोगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और हाँ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जिन्हें बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें ये दोनों रेसिपीज एक बार ट्राई करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।